यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज कार्तिक मास के सातवें दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के सातवें अध्याय को। बंधुओं जो मनुष्य भी कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं उनकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बंधुओं उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, और यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं श्रीमद् भागवत गीता के सातवें अध्याय का महात्म सुनने के बाद ही श्रीमद् भागवत गीता के सातवें अध्याय को सुने। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया ना देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वरण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया।
पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात सातवें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म मैंने तुम्हें बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का सातवां अध्याय। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योग्यों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेदे वाली अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से संपूर्ण विश्व से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे चार प्रकार के भगतजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत् से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भगत अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष हैं, वे अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना द्वारा
ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत् से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद रूप मोहों से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद रूप मोहों से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित अधियज्ञ के सहित सब का आत्म रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूम और पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब कुछ वसुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे जय श्री कृष्ण। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।